वायरबेस वगैरह सारा बंद कर देते हो, मटेरियल यूआई पे आ जाते हैं। अब इस यूआई के ऊपर हमें थोड़ी सी ना एक से दो कंपोनेंट हम लगाते हैं, ओवरव्यू हो जाएगा मटेरियल यूआई का, फिर हम बाकी डिटेल बाद में पढ़ लेंगे। क्या करूँगा मैं, मटेरियल यूआई एंटर किया, गूगल पे जाके लिखा MUI.com, ये इसका लिंक है, यहाँ आ गया, गेट स्टार्टेड का बटन दबाया, इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन पे मैंने क्या किया, NPM से इसको इंस्टॉल किया, कॉपी किया ये कमांड, अपने प्रोजेक्ट में आया, ये कौन, अच्छा इतना कोड जो पहले का लिखा हुआ था ना वो मैं क्या कर देता हूँ, क्या कर रहे थे इससे पहले, हम सोशल लॉगिन कर रहे थे, सोशल लॉगिन कर रहे थे, तो मैंने वो नाम लिख दिया, ठीक है, तो इतना कोड मैंने पुश कर दिया। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट में आके ये टर्मिनल खोला मैंने, और अपने प्रोजेक्ट के रूट पे आके, ये मैं कौन से में हूँ, इस वाले प्रोजेक्ट में मौजूद हूँ, ठीक है, 15 फायरबेस ऑथेंटिकेशन, यहाँ पे इसके रूट में आके मैंने npm इंस्टॉल वाली वो कमांड यहाँ पे मैंने रन कर दी, ठीक है, जिससे मटेरियल यूआई मेरे इस प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो जाएगा। मुश्किल तो नहीं है अभी तक, अभी इंस्टॉलेशन हो गई आपकी। अच्छा, इंस्टॉलेशन में और क्या काम करना है, एक तो आपने मटेरियल यूआई को इंस्टॉल कर दिया, उसके अलावा मटेरियल यूआई के अलावा क्या करना है, आपने कुछ और भी चीज़ें इंस्टॉल करनी है, जिसमें स्टाइलिंग इंजन है और स्टाइल कंपोनेंट है, ठीक है, इसको भी मैंने कॉपी किया और इसको भी मैंने क्या कर दिया यहाँ पे आके इंस्टॉल कर दिया, ये दो चीज़ें इंस्टॉल हो गई। और आगे चलते हैं, इसने बोला भाई रोबोटो फॉन्ट भी आप कर लो इंस्टॉल, तो अच्छी बात है, मैंने कहा ठीक है भाई, रोबोटो फॉन्ट को भी मैंने इंस्टॉल कर लिया, ठीक है, रोबोटो फॉन्ट इंस्टॉल, तीन चीज़ें इंस्टॉल हो गई। अच्छा, कह रहे आइकॉन्स भी इंस्टॉल कर लो, ये आइकॉन्स हैं आपके जो हम अलग अलग करते थे ना सब चीज़ें, वो सब इसी के अंदर है, अभी ये इस्तेमाल कैसे होंगी वो हम देख लेते हैं। ये मैंने मटेरियल आइकॉन भी इस्तेमाल इसमें इंक्लूड कर लिए, ठीक है, बस ये इंस्टॉलेशन आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो गई, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, और रिएक्ट की ऐप में करना है ये, पता चला प्लेन ऐप में करोगे वो बिहेवियर पे उसका कुछ और ही है, ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये रिएक्ट की ऐप में ही कर सकते हैं आप इस तरह से। अगर आपको प्लेन जावास्क्रिप्ट की ऐप में लगाना है ना मटेरियल, वैसे लगाते नहीं है लोग, प्लेन जावास्क्रिप्ट की तो ऐप चलती नहीं है ना, प्रोडक्शन में तो चलता ही रिएक्ट है या कोई ना कोई फ्रेमवर्क चलता है, ठीक है, तो इसको रिएक्ट पे ये बता रहा हूँ मैं, रिएक्ट पे ही लगेगा इस तरह ये। अच्छा, अब आ जाते हैं यूजेज, ठीक है ना, इंस्टॉलेशन के साथ यूजेज लिखा हुआ इस पर आ गया हुआ। अब यूजेज में इन्होंने बहुत ही सिंपल सा बताया, इन्होंने बोला भाई बटन लगाना है ना आपको, आप ऐसे करो बटन कॉपी, और बटन कहाँ लगा हुआ मेरी ऐप में, आ जाते हैं इधर, लॉगआउट का बटन था, ये सारे बटन हैं मेरे पास, लगा देते हैं इस पर आगे। मैं गया लॉगिन के पेज पे, लॉगिन के पेज पे जाके मैंने टॉप पे क्या किया, बटन इंपोर्ट करवा लिया, कहाँ से, जहाँ से उन्होंने बोला था, सही है, और नीचे आया मैं, अब जहाँ पे बटन है ना मेरे पास, एक्चुअल बटन जहाँ पर है, ये रहा फॉर्म के सबमिशन पे ये बटन लगा हुआ है। अब इस बटन की जगह मैंने क्या लगा देना है, ये बटन लगा देना है जो मैंने इंपोर्ट किया है। अब बटन के अंदर वेरिएंट्स हैं, कुछ वेरिएंट्स हैं, आप देखते हैं वो कौन से वेरिएंट्स हैं। आया मैं और मैंने बोला भाई बटन ये वाला, ठीक है, टाइप सबमिट यहाँ से उठा के मैंने टाइप सबमिट, ठीक है, इस बटन को मैंने उड़ा दिया, बस ये डिव बन गया और वो बटन बन गया ये वाला, मुश्किल तो नहीं था, जो पहले से बूटस्ट्रैप पड़ा हुआ है तुम लोगों ने वही है बिल्कुल, ये भी ये आया बटन यहाँ पे मेरा अपीयर हो गया बन गया, ठीक है, मटेरियल लॉगिन बटन क्लिक किया, लॉगिन भी चल रहा है, सब कुछ ओके चल रहा है, दोबारा लॉग आउट किया, लॉग आउट हो गया, सही है। अच्छा, अब यूजेज, ये हमने पहला यूजेज कर लिया, अब ये इन्होंने नीचे चलाकर भी बताया हुआ है कि भाई इस तरह का दिखना चाहिए कुछ। अब हम आ जाते हैं किसमें, हम आ जाते हैं नीचे कंपोनेंट्स में, ये कंपोनेंट्स में आ गए। अब कंपोनेंट्स में देखो बटन है ना, ये हमने अभी इस्तेमाल किया है, बटन पे मैंने क्लिक कर दिया, अब बटन के अंदर ये सारे वेरिएंट्स हैं इसके, टेक्स्ट है, कंटेंट है, आउटलाइन है, सही है। अब यहाँ से आप देखते जाओ और लगाते जाओ, आपको इस तरह का बटन चाहिए, ये वाला कोड है इसका, ठीक है, आपको इस तरह का चाहिए, डिसेबल करना है तो डिसेबल आप करोगे, डिसेबल हो जाएगा। कौन सी लाइब्रेरी, मटेरियल यूआई तो लगाना ही पड़ेगा ना आपको, उसके बगैर कैसे करोगे,
प्योर सी एस एस से भी कर सकते हो, मना तो खैर नहीं है, लेकिन बेहतर है कि उसको इस्तेमाल कर लो तो आसान हो जाता है काम। लाइब्रेरी जस्ट टाइम बचाने के लिए होती है आपके, ये सारा काम। क्या ऐसा बटन मैं सी एस एस से नहीं बना सकता? बिल्कुल बना सकता हूँ, लेकिन टाइम लगेगा उसमें, तो बनाते रहे। अगर आपके पास टाइम है सी एस एस से बनाना है तो बनाते रहे बंदे। हाँ बस 12 घंटे हैं, ये आपने जहन में रखना है, आएगा तो आन के आपके, ठीक है। तो आपको इसमें से जैसा भी बटन लगाना है आप वैसा बटन लगा सकते हैं। मैंने बोला भाई मुझे ऐसा वाला चाहिए, सेकेंडरी वाला। अब सेकेंडरी के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा कोड? कुछ इस तरह का, ठीक है, कलर सेकेंडरी और वेरिएंट कंटेन। अगर मैं लिखूंगा तो ऐसे हो जाएगा बैकग्राउंड। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आके, मैंने बोला भाई ये वेरिएंट मुझे कंटेन वाला नहीं चाहिए, मतलब स्क्वायर बॉक्स नहीं चाहिए मुझे। तो अब देखो ये बटन कैसा आ रहा है, अब ऐसा आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आके मैं वेरिएंट लिखूंगा आउटलाइन, तो वो आउटलाइन वाला बटन आ जाएगा, आउटलाइन वाला बटन आ गया, ठीक हो गया, आसान था। अब आ जाते हैं हम अगले कंपोनेंट पे। अब इसी तरह होंगे सारे कंपोनेंट, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है बहुत बड़ी। अब मुझे चाहिए बटन का ग्रुप, 3-4 बटन एक साथ चाहिए, ये बने हुए नीचे, इसका ये कोड लिखा हुआ है, ठीक हो गया। इस तरह का बटन का ग्रुप चाहिए, ये कोड लिखा हुआ है। और आगे चलते हैं, रेटिंग 5 स्टार होता है, बना के रखा हुआ है इन्होंने भाई, सही है। तो ये इस तरह से होगा, और वैल्यूज़ की आप लिखेंगे 1 से लेके 5 तक जो भी लिखेंगे वो ऊपर डिस्प्ले कर देगा, दैट्स इट। सेलेक्शन का जो बटन है वो ये इस तरह का बना हुआ है इनका पहले से, ठीक है। सेलेक्शन का बॉक्स ये 10, 20, 30 जो भी होता है, इस तरह का भी बॉक्स बना हुआ है, इस तरह का भी बना हुआ है, जैसा आपको चाहिए। मुख्तलिफ वेरियंट्स हैं एक ही चीज़ के, जैसा आपको चाहिए वैसा आप लगा लो, मुश्किल तो नहीं है इसमें कुछ। अच्छा, इन तमाम चीज़ों का जो है ना, यहाँ पे सोर्स कोड आप क्लिक करेंगे, नीचे सोर्स कोड आ जाएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे, ये कोड सैंडबॉक्स में आपको ओपन करके दे देगा। मैं क्लिक करूँगा ना, कोड सैंडबॉक्स में ले गया, वहाँ पर चलती हुई एग्जाम्पल है, वहाँ से आप कॉपी कर लें। अगर आपसे खुद से नहीं चल रहा तो आप वहाँ जाके देख लें कि आपने क्या मिस किया हुआ है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये कोड सैंडबॉक्स ये खोल देगा, इसी का पूरा बना हुआ कोड। अच्छा, और आगे चलते हैं, हमारे पास टेक्स्ट फील्ड्स हमें चाहिए। हमारे पास जो लॉगिन का पूरा फॉर्म है उसमें टेक्स्ट फील्ड्स हैं 2 अदद, तो ये इस तरह से टेक्स्ट फील्ड्स यहाँ पे देखो बनी भी आ रही है, हर तरह की टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे मौजूद है। हर तरह की टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे मौजूद है। कैसी चाहिए? फुल विड्थ वाली चाहिए, मतलब इस कोने से लेके उस कोने तक पूरी दीवार तक है, वैसा वाला मिल जाएगा आपको। और इस हर एग्जांपल को आप कोड सैंडबॉक्स में ओपन करके देख सकते हैं, ये अच्छी बात है, ठीक है। लॉगिन साइनअप का यहाँ पे बना हुआ भी था, वो अभी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। कौन से टेम्पलेट्स में होगा? नहीं नहीं, यहाँ पे इसी में से हम उठा लेते हैं ना, ये वाला जैसे है ना हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है इसके ऊपर, हम ये वाला उठा लेते हैं, ठीक है, ये वाला उठा लेते हैं। टेक्स्ट फील्ड आउटलाइन, ये देख रहे हो, टेक्स्ट फील्ड आउटलाइन, इसको मैंने कॉपी किया यहाँ से। और अब मैं क्या करूँगा, अपने प्रोजेक्ट में जाऊँगा और यहाँ पे मेरे पास जो सिंपल इनपुट बना हुआ है, इस सिंपल इनपुट की जगह मैंने क्या लगाना है, टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड पे मुझे एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है? क्योंकि टेक्स्ट फील्ड ऊपर इम्पोर्ट नहीं हुई हुई है। मैंने यहाँ पे आके बोला कि भाई बटन भी चाहिए मुझे, और अब मैं ये हटा दूंगा यहाँ पे से ना, मैं बोलूँगा बटन कॉमा टेक्स्ट फील्ड, ठीक है, सेट हो गया बिल्कुल। अच्छा, ये मेरा कोड भी आपके पास मौजूद होगा एज एग्जाम्पल, अगर आप देखना चाहें। और मैं यहाँ पे आके अब ये टेक्स्ट फील्ड पे जो सारा काम करूँगा ना, मैं अब वो टेक्स्ट फील्ड पे करूँगा। इसकी टाइप ईमेल है, कट किया मैंने, मैंने बोला भाई इसमें 3 पैरामीटर पहले से दिए हुए ना जो इसके अपने हैं, मैंने बोला भाई 4th पैरामीटर ये कि टाइप ईमेल है इसकी, और नेम इसका यूज़र नेम है, और प्लेस होल्डर इसका ईमेल है, सही है। और ऑन चेंज पे क्या होता है इसके, ये वाला काम होता है, सेट हो गया। अब ये इनपुट मैं हटा दूंगा, अब मेरा इनपुट ये वाला है। अच्छा, लेबल इसके अंदर क्या है? लेबल वो है जो उस पर नाम लिखा हुआ होता है ना, देखते हैं ज़रा लेबल किस तरह का दिख रहा होता है।
लेबल ना कुछ इस तरह का दिख रहा होगा, देखो आउटलाइन लिखा हुआ है लेबल में, तो मैं क्या कर दूंगा आउटलाइन को, इसको बोल दूंगा मैं ईमेल, और अब मुझे इस लेबल की जरूरत ही नहीं है मुझे जो ऊपर लिखा हुआ था, अब मेरे पास कुछ इस तरह का खुल रहा है। सही हो गया? पासवर्ड वाले के साथ भी यही करता हूँ। ठीक है, मैंने कहा टाइप इसकी पासवर्ड, ठीक है, नेम इसका जो है वो क्या है, करंट पासवर्ड, और ऑटो कंप्लीट में भी मैंने इसके करंट पासवर्ड ही दिया है। प्लेस होल्डर इसका पासवर्ड, और ऑन चेंज पे इसके क्या होता है, ये वाला काम होता है, और इस इनपुट की अब मुझे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मेरे पास ये दोनों बना हुआ। अच्छा, अब इसकी मार्जिन पैडिंग वैडिंग सेट करनी है तो वो आप देख लेंगे फिर। अच्छा, इसके लेबल में ईमेल ही लिखा हुआ है, इसमें लेबल में पासवर्ड लिखा हुआ चाहिए मुझे, ठीक है। अब ये मेरे पास ईमेल, पासवर्ड और ये बटन नीचे इसका बना हुआ आ गया। अब इसमें मैंने कुछ स्टाइलिंग वगैरह करनी है, वो आप इजीली खुद से कर सकते हैं, वो आप सब लोगों को पता है स्टाइलिंग कैसे होती है नॉर्मली, यानी मार्जिन पैडिंग वाले स्टाइलिंग की बात हो रही है। हाँ, बटन का कलर आप चेंज करना चाहें ना, तो इसके अंदर आपके पास कलर करके होता है, तीन कलर इसके बेसिक होते हैं, प्राइमरी और पता नहीं सेकेंडरी और डेंजर और पता नहीं कौन से ना। अभी बटन में जाऊँगा ना वापस तो वो नज़र आ जाएगा। यहाँ पे ये कलर है देखो, सेकेंडरी, सक्सेस, एरर, ये तीन चार इसके कलर हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल लास्ट में जाओगे तो इसका रेफरेंस है जिसमें वो सब उन्होंने बताया हुआ होता है कि क्या क्या चल सकता है आपके पास में। कस्टमाइज़ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं है ना आपने, क्यों करना है आप कस्टमाइज़ क्यों करना है आपने? हाँ, आप अगर तुम्हारा सवाल ये है कि प्राइमरी कलर तुम्हें चेंज करना है कि प्राइमरी में ब्लू नहीं आया कुछ और आ जाए, तो वो आपको वापस जाना पड़ेगा गेटिंग स्टार्टेड में। यहाँ पे मैंने सिर्फ यूजेज बताया ना, अब इसके अंदर एक होता है थीम, यहाँ पे आप थीम भी बना सकते हैं अपनी थीम, वो यहाँ पे इन्होंने बताया होगा किसी जगह पर। एग्जाम्पल प्रोजेक्ट नहीं, टेम्पलेट लर्न, यहाँ पर उसके लिए ऑप्शन होता है थीम बनाने का। आप शुरू में ही बता देते हैं मेरे प्राइमरी कलर कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है और ये कौन सा है, पूरे प्रोजेक्ट में आपको बताने की जरूरत ही नहीं होती, वो फिर खुद ही देख रहा होता है उसको। अब वो यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा लिखा हुआ, अभी नज़र नहीं आ रहा मुझे। नहीं, अलग से तो खैर नहीं, शुरू में ही आप बता देते हैं उसको, वो समझ जाता है। हाँ, अलग से बनानी पड़ती, सही कह रहे हो, कस्टमाइज में होगा शायद, ये रहा थीमिंग, कस्टमाइज में गए, थीमिंग में चले गए, लेकिन फिलहाल अभी इस पर हम ज़्यादा नहीं जाते, लेकिन ये काम कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने देखो पूरा मेंशन किया हुआ कि थीम किस तरह बनेगा, कैसे बनेगा थीम, ठीक है। अब ये आप डॉक्यूमेंट अगर पढ़ लें तो आपको बिल्कुल अच्छे से आइडिया हो जाएगा। ये देखो प्राइमरी कलर इसने क्या बोला कि पर्पल होगा 500 और सेकेंडरी होगा ग्रीन, ये क्रिएट थीम बना दिया इसने। अब इस थीम को पास कैसे करना है, चलाना कैसे है इस थीम को, वो भी नीचे पूरा मेंशन हुआ है, सब कुछ बताया हुआ है इसके अंदर, ठीक हो गया। रिस्पॉन्सिव, अभी ये वही तो देख रहे हैं हम, रिस्पॉन्सिव कंपोनेंट समझ आ गए सारे। हाँ, अब हम देखते हैं आगे स्पेसिंग, स्पेसिंग क्या चीज़ है, ठीक है। स्पेसिंग तुमने यूज़ की थी क्या पहले, तुमने स्पेसिंग यूज़ की है पहले? असल में स्पेसिंग के लिए ना पूरी लंबी कहानी है थोड़ी सी। जिसने भी स्टाइल क्रिएट किया है ना, अच्छा ये मैं बता तो दूंगा लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा ज़्यादा, तो फिलहाल के लिए ना जो ब्रेक पॉइंट्स वगैरह हैं वो आप मीडिया क्वेरी खुद से लगाएं फिलहाल कल के हैकाथॉन के लिए, और जो मार्जिन पैडिंग जो है मतलब फ्लैक्स बॉक्स में ही होता है कि आगे पीछे करने वाला आइटम, वही फ़िलहाल इसमें अप्लाई करें। इसमें मैं बल्कि इस लॉगिन के फॉर्म में वो लगा के दिखा देता हूँ,
ताकि आपको आइडिया हो जाए कि वो किस तरह, मतलब रिएक्ट में अगर फ्लैक्स बॉक्स लगेगा तो वो कैसे लगेगा। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं है, होता उसी तरीके से जैसे ये फॉर्म है ना। तो अब इस फॉर्म को ज़ाहिर है मैं एक डिव में कर दूँगा, या इस फॉर्म पर ही कोई सी एस एस लगा दूँगा मैं, मैंने कहा क्लास नेम और लॉग इन फॉर्म। सही है, क्लास नेम मैंने लिख दिया, लॉग इन फॉर्म यहाँ पे लॉग इन की कोई सी एस एस फिलहाल नहीं लिखी हुई। ठीक है, तो मैं लॉग इन डॉट सी एस एस बना लेता हूँ। अच्छा, जब हम मटेरियल यू आई जब इस्तेमाल करते हैं ना, तो हम सी एस एस की फाइल अलग से नहीं बनाते हैं, ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, पढ़ेंगे नहीं बाद में पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पे ना एक स्टाइल डी करके, एक स्टाइल डी करके हम एक चीज़ बनाते हैं, इस कंपोनेंट की तमाम स्टाइलिंग उसके अंदर होती है। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल हम उसको कवर नहीं कर रहे, शॉर्ट टाइम की वजह से अभी मैं फिलहाल उसको कवर नहीं कर रहा हूँ। तो मैं लॉग इन डॉट क्या बना रहा हूँ, सी एस एस। ठीक है, लॉग इन डॉट सी एस एस में जाके मैंने कहा लॉग इन फॉर्म है ये मेरा, और लॉग इन फॉर्म में मैंने क्या करना है, मैंने कहा डिस्प्ले इसको कर दो फ्लैक्स, राइट, डिस्प्ले फ्लैक्स हो गया। ओ, इसमें इम्पोर्ट करना पड़ेगा ना, डॉट भी नहीं लगाया मैंने। ठीक है, डॉट हो गया, और इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, लॉगिन में इम्पोर्ट भी करना पड़ेगा। मैंने कहा इम्पोर्ट और डॉट स्लैश लॉगिन डॉट सी एस एस। सही, ऐसे ही होता है ना इम्पोर्ट, ये फ्लैक्स बॉक्स देखो इस पर अप्लाई हो गया। ठीक है, अब अगला काम मुझे क्या करना है, इसको मुझे चेंज करना है ना, इसका मुझे लेफ्ट टू राइट तो नहीं चाहिए, मुझे इसकी ओरिएंटेशन क्या चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम। सही है, तो ये मैंने फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम कर दिया। अब फ्लैक्स डायरेक्शन जैसे ही मैंने कॉलम किया तो वो क्या हो गया, उसने उसको स्ट्रेच कर दिया, तो मैं बोलूँगा अलाइन लेफ्ट। ठीक है, अलाइन लेफ्ट बोलूँगा मैं या वो बोलूँगा, अलाइन आइटम्स लेफ्ट। वैसे मैं जस्टिफाई कंटेंट करता है इस पर, लेकिन क्योंकि मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी है, ये हम शुरू में फ्लैक्स बॉक्स वाली क्लास में देख चुके हैं, अगर किसी ने वो मिस कर दी थी तो वो भी पड़ी हुई है रिकॉर्डिंग। तो क्योंकि मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी है, तो अब जो अलाइन आइटम जो पहले ऊपर नीचे करता था, अब वो राइट लेफ्ट करेगा। ठीक है, तो ये हमने राइट लेफ्ट कर दिया, अब ये हुआ। सॉरी, हाँ आई सी। हाँ, ये तो सी एस एस की फाइल है ना, इसमें नहीं लगता अब, अभी भी नहीं। अलाइन आइटम में क्या क्या होता है ऑप्शन, भूल गया हूँ, फ्लैक्स स्टार्ट होता है। हाँ, फ्लैक्स स्टार्ट, ठीक हो गया। सही है, ये हमारे पास लॉगिन का फॉर्म बन के आ गया। अब जाहिर है इसको मुझे थोड़ी सी मार्जिन भी देना होगा, बहुत चिपक रहा है दीवार से उस तरफ ये, तो मैं इसको बोलूँगा कि यार क्या कर लो आप, मार्जिन ले लो आप 10 पिक्सल का मे बी, तो ये 10 पिक्सल का मार्जिन हो गया। अगर कम लग रहा है तो हम इसको 20 पिक्सल कर लेंगे। ठीक है, 20 पिक्सल का मार्जिन हो गया ये। अब ये छोटी स्क्रीन पे कैसे बिहेव करे, बड़ी स्क्रीन पे कैसे बिहेव करे, ये सब आप लोगों को पता है कि आप फ्लैक्स बॉक्स के ज़माने में आप ये कर चुके थे। अगर इसकी हाइट कम लग रही है, विर्थ कम लग रही है, तो आप क्या करेंगे, इसकी हाइट विर्थ थोड़ी सी आप बढ़ा भी सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने कहा डॉट लॉग इन फॉर्म और आपका जो क्या था उसके अंदर इनपुट, और इनपुट में मैंने कहा विड्थ जो होगी ना इसकी वो क्या होगी, 500 पिक्सल हो जाएगी। अच्छा, इस पर ही असर नहीं पड़ा, क्यों नहीं पड़ा असर भाई, इस पर भी मुझे ना क्लास देनी पड़ेगी। असल में वो हमने तो लिखा है टेक्स्ट फील्ड, लेकिन HTML में जाके वो कुछ और ही रेंडर होता है। देख लेते हैं वैसे टेक्स्ट फील्ड लिख के, लेकिन वो ऐसे होगा नहीं, टेक्स्ट फील्ड का नाम इसका लॉगिन डॉट जे एस एक्स। टेक्स्ट फील्ड ऐसे लिख के हम देख लेते हैं, लेकिन वो होगा नहीं उससे, हमें क्या करना पड़ेगा उस पर क्लास देनी पड़ेगी एक अगर। ठीक है, तो मैं उस पर डॉट टेक्स्ट फील्ड इसी नाम की क्लास बना देता हूँ, राइट, क्या दे दूँ, फर्स्ट चाइल्ड भी दे सकते हैं। सही है, इसी नाम से मैंने इसको क्लास बना दिया कि भाई टेक्स्ट फील्ड है। मैंने कहा लॉगिन फॉर्म के अंदर जो टेक्स्ट फील्ड है उसकी विड्थ क्या कर दो आप, 500 पिक्सल कर दो, तो ये हो गई 500 पिक्सल। ठीक है,
अब दूसरे वाले में भी यही क्लास दे दूंगा तो दूसरे पे भी अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो क्लास में मैंने बात लिखी हुई है कि ये ऐसे बन जाए, इसको आप क्या कर सकते हैं, मीडिया क्वेरी से कंडीशनल भी बना सकते हैं कि अगर स्क्रीन का साइज इतना है तो 500 पिक्सल होंगे, इतना है तो इतने पिक्सल होंगे, कर सकते हैं ना। अब ये तो ये हमारी दोनों 500 पिक्सल हो गया, और ये लॉगिन का बटन है, अगर इसको भी मैं करना चाहूँ 500 पिक्सल तो मैं उसको भी इसी तरह कर सकता हूँ जैसे मैंने यहाँ पे इसको CSS लिख के किया। अच्छा जी, तो ये मेरा लॉगिन पेज है, लॉगिन का मैंने बटन दबाया, ये मैं अंदर चला गया। अब ये मेरा जो टेक्स्ट है ना, ये वाला, ये जो एक पोस्ट है मेरी, इसके लिए भी कोई कंपोनेंट चाहिए मुझे, तो मैं कौन सा कंपोनेंट यूज़ करूँगा। जाता हूँ मैं कंपोनेंट के अंदर, कंपोनेंट में मेरे पास यहाँ पे देखो अवतार मौजूद है, इस तरह से फ़ोटो लगा सकते हैं आप, इसमें डिवाइडर मौजूद है, ठीक है, इस तरह से अगर इनबॉक्स वगैरह कोई ऑप्शन है, यहाँ पे टेबल्स मौजूद हैं, ठीक है, यहाँ पे आइकॉन्स मौजूद हैं, ठीक है, मटेरियल मटेरियल आइकॉन का ना यहाँ पे एक वो है, ये देख रहे हो मटेरियल आइकन। अब मटेरियल आइकन अलग से मैंने ओपन किया है तो ये पूरे उसकी लिस्ट होती है, कभी वो यहाँ पे कहीं ना कहीं होगी ना, ये देखो इस तरह से होती है कि भाई मुझे फेसबुक का जो बटन है उस पर एफ लिखा हुआ दिखाना है, तो मैं यहाँ पे इस तरह दिखा सकता हूँ। अब इसका एक लिस्ट होती है पूरी, वो कहाँ पर है यार लिस्ट, तमाम आइकन्स की ना एक लिस्ट होती है, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं शो हो रहा होता है। वेल, आप अलग से भी खोल सकते हैं वैसे उसको, मटेरियल आइकन लिखोगे ना ऐसे अलग से तो वो आ जाएगा, ये रहा मटेरियल आइकन लिखा, एंटर किया, ये यहाँ पे सर्च मारोगे आ जाएगा। मिसाल के तौर पर मुझे फेसबुक का चाहिए, ये फेसबुक आ गया, तो मैं बटन के ऊपर प्लेस कर सकता हूँ, जो बटन का कंपोनेंट है ना वहाँ पे एक आइकन के साथ वाली एग्जाम्पल भी बनाई हुई है उन्होंने। मैंने वापस बंद किया इसको, देखो मैं इधर बटन पे जाऊँगा ना तो इधर आइकन बटन भी एक बना हुआ होगा लास्ट में ना, बटन आइकन के साथ, ये देखो ये आइकन बटन है, तो इस तरह भी बना सकते हैं आप, बटन के बीच में भी आइकन लगा सकते हैं, ये देखो बना के दिखाया है सब कुछ, तो इसमें वही लगा हुआ है असल में मटेरियल आइकन, देख रहे हो बटन है और उसके अंदर डिलीट का आइकन है, दैट्स इट, ये समझ आ गया। अच्छा अब नीचे आ जाते हैं हमारे पास, वो पोस्ट के लिए मैं देख रहा था ना क्या लगाएं। अच्छा स्केलेटन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने अक्सर जगहों पे देखा होगा स्केलेटन, ये इस तरह लगता है कि जब तक वो एक्चुअल कंटेंट नहीं आता ना तो हम क्या करते थे, पहले लोडिंग और डॉट 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 लगा देते थे, अब हम ये लगा सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, इसमें भी CSS और सारी चीज़ें बिल्कुल उसी तरह लगती हैं जिस तरह एक्चुअल कंपोनेंट में लगती हैं, तो स्टाइलिंग आपको थोड़ा दो दफ़ा करनी पड़ती है लेकिन अच्छा लगता है काफ़ी, आजकल बड़ा चल रहा है ये। एकॉर्डियन क्या चीज़ है, इस तरह की चीज़ होती है, खुलती है बंद होती है। ऐप बार हमारे पास है, ठीक है, पूरा नेविगेशन बार इसके अंदर इन्होंने बना के यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, होम अबाउट कॉन्टैक्ट, कॉपी करो उधर से आप तो हो गया, ऐप बार पूरा बन के आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, ये देख रहे हो नोटिफिकेशन वगैरह सब चीज़ें सेट की हुई हैं, इसमें से जो सा भी आपको चाहिए मोबाइल ऐप के हिसाब से भी एक बना के रखा हुआ है। बॉटम पे अगर ऐप बार चाहिए आपको, सही है, खुलने बंद होने वाला ऐप बार भी है यहाँ पर, उसका कोड ये रहा कोड कैसे बना है यहाँ पर दिख रहा है। कार्ड हमें जो चाहिए पोस्ट में, हमें चाहिए कार्ड, अगर फोटो है तो इस तरह करके फोटो के साथ वाला। आपने जस्ट क्या करना है अभी यहाँ पे, ये जो होम डॉट जी एस है ना, इस पर जो मैंने रेंडर करवाया हुआ है इसको, इसको कैसे रेंडर करवाया हुआ है मैंने एक सिंपल डिव में रेंडर करवाया है। आपने इस डिव को हटाना है और इस डिव को हटा के क्या लिख देना है यहाँ पे, यहाँ पे लिख देना है आपने ये कार्ड, देख रहे हो कार्ड, कार्ड के अंदर एक कार्ड हेडर, कार्ड मीडिया जिसमें एक इमेज आएगी, कार्ड कॉन्टेंट, कार्ड एक्शन जिसमें बटन बने हुए होंगे दो अदर, कार्ड कोलैप्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। कोई एक चीज़ अगर आप ना भी रखें तो खैर है, टाइपोग्राफी रखी हुई है लास्ट में उन्होंने, ठीक है। तो ये ऊपर का इतना आइटम, ये साइड वाला जो एक्शन है इसका आइटम, बीच वाला फ़ोटो, उसके आगे नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसके नीचे दो बटन लगे हुए हैं और यहाँ पे ये कोलैप्स हो रहा है, ठीक है, कोलैप्स के अंदर जो कॉन्टेंट है वो अलग से दिख रहा है। तो हम अपनी पोस्ट को क्या कर सकते हैं, उसकी जगह पर ये कंपोनेंट हम लगा सकते हैं अपनी पोस्ट की जगह पर। नीचे और देख लेते हैं कार्ड, थोड़े मुख्तलिफ तरह के कार्ड इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर बना के दिखाए हुए हैं कि भाई इस तरह के कार्ड भी हो सकते हैं, मीडिया कंट्रोल का कार्ड इस तरह का हो सकता है, आप थोड़ा सा मुख्तलिफ भी बना सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। तो ये मटेरियल यूआई का ना हमारा ओवरव्यू हो गया। मटेरियल यूआई में कुछ चीज़ें रहती हैं हमारी, जैसे कि इनके अपने ब्रेक पॉइंट्स होते हैं, इनके अपना रिस्पॉन्सिव बनाने का एक अपना तरीका है, वो हमने अभी तक कवर नहीं किया, वो इंशाल्लाह हम इन फ्यूचर कवर करेंगे बहुत जल्दी।
ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं कल सुबह 9 बजे और 8 बजे हैकाथॉन, 9 बजे पता नहीं, वो आप इनसे पूछ लीजिएगा क्या टाइमिंग है, मुझे नहीं पता।